अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या करना है आपने, उसमें पहले में क्या किया था आपने, जो था ना एमपी, उसमें से आपने पानी ऐसे लिया था उल्टा। अब यहाँ पर आपने इसको पानी इसमें डालकर इसको हिला दिया। अब आपने ऐसे नहीं करना, इसको उल्टा करना। यानी फास्ट क्या जैसे था ना, ये बताया आपको, यही देखा आपने, अपने हाथों का भी ध्यान करना है, सुई वगैरह आपको चुभना जाए। इसको ऑपरेशन मर्जी, यहाँ अपनी मर्जी आपकी है, दस बैल ऐसे इसको हिलाकर आपने इसका क्या है तो ना जो बबल एयर है उसको निकाल, एक दो कतरे गिर जाए जो मसला है, इसको अपने से करके बंद। उसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ कार्टन स्वाब, कार्टन पेड पड़ा हुआ है ना, कार्टन के मतलब मोटे मोटे रोल होते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इतने बड़े नहीं, थोड़ा सा लेकर ये यानी सिपेट वगैरह की बोतल पड़ गई आपने इसमें डालकर ऐसे करेंगे वो गिली हो जाएगी, दो तीन बना के रखना छोटे छोटे पेड। उसके बाद आपने उठाना ये टॉनिक क्यूब, ये टॉनिक क्यूब उठाकर यहाँ रख लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो है ना एक होती है किडनी ट्रे, किडनी शक्ल की होती है, स्टील का रखना, बड़ी भी होती है छोटी भी होती है, उसमें सब चीज़ें ये डालकर उसकी पर्ची ना अंदर रखें, क्योंकि सिपर जब हाथ वो लगेगी तो गीली हो जाएगी पर्ची, तो पता नहीं चलेगा। आप अपने जेब में डालें, हम मरीज के पास आ जाएंगे। हाँ, ये एक सैंपल है। हाँ, इस तरह क्योंकि ह्यूमन बॉडी पर हम लेट नहीं मिला सकते, कुछ नहीं हो सकता, ये एक सैंपल है। वो कुछ करें कभी भी लेफ्ट साइड पर टीका मत लगाएं, क्योंकि लेफ्ट साइड पर क्या है हमारा हार्ट, आप टीका लगाए हो सकता है टीका लेशन कर जाए, तो जब तक आप उसको संभालोगे मरीज ऊपर पहुँच जाएगा। उसकी वजह क्योंकि जैसे ही हार्ट में जाएगा इसने पंप करके बाहर टांग देना, अब उस ब्रोक तो सकता नहीं, तल मरीज आ जाए, तल भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये आपके हाथ में नहीं होगा, ये फौरन पूरे बॉडी में जाकर बहुत बड़ा कोई नुकसान दे सकता है, बहुत ज़्यादा। बल्क क्या करना है, हमेशा आधा बनाओ, हमेशा राइट साइड पर टीका लगाओ, रिएक्शन का चांस ही नहीं होगा, उधर बहुत ज़्यादा होता है। एक सैंपल है। अच्छा, जब भी आप आएंगे तो उधर क्या करना है, अपने पेशेंट से ही पूछ लेना है उसका नाम क्या, क्योंकि हो सकता है एक नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं। आपका क्या नाम है? तो फादर का नाम तो क्या है जी आपकी? तो कंफर्म होगा ये 25 ही है। क्या बोला था आपको? कोई बात नहीं, आपको दवाई ले रहे हैं और आपको कुछ गोलियाँ भी देंगे, कुछ आपको मतलब इनहेल करने के लिए ना एक आपको मरहम देंगे, ताकि आपने क्या करना है गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा उसका डालकर ना जैसे भाप लेनी है, कपड़ा अपना ना गर्म पानी करके नास लेना, ये भाप लेनी है कपड़ों पर अपन डालनी, आपने इसको आपने क्या करना है, ठंडक पानी नहीं पीना, बोतल नहीं पीनी, कैप्सिक कपड़ा पड़ा और दवाई हमेशा आपने मॉर्निंग में 5 गोले मारने पी के खानी। हम आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो भी आपको पेट में दर्द हुआ था या आपको जो भी बुखार वगैरह हुआ था वो आपका रुक जाएगा। अच्छा, एक तो मरीज से ये पूछ रहे हैं कि नाश्ता के बगैर नाश्ते के पिता नहीं था, नाश्ता किया था आपने, कब किया था? यही पूछ रहे कब किया था, हो सकता है अपने गांव से चला जरूरी गाने किसी वहीं पर नाश्ता किया हो, नाश्ता कब किया था? अरे वो कहते 2 दिन पहले किया था, उसको बोलोगे भाई जाओ नाश्ता करके आ जाओ फिर आपको टीका लगाए, क्योंकि भाई नाश्ते के अगर टीका लगाएंगे तो रेशन क्या जाता है। हमने क्या करें, टॉनिक क्यों जो ना यहाँ इसकी बांध लेंगे। यस सर, इसे वेन देखते हैं, ये इसलिए होती है ताकि जो वेन्स वगैरह हैं वो ऊपर आ जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, हम उसको आसानी से टीका लगाने से पहले एक तो उसको मुट्ठी बंद कराएंगे पेशेंट के ना, तो जब ये टीका लगा रहे होंगे तो मुट्ठी खुलवा देंगे। अच्छा, यहाँ पर फिर क्या करना है, एक तो हमने कार्टन स्वाब जो लेके आए थे ना वो लेकर इसका इसको रब करना है, साफ करना है, वो इसलिए हो सकता है ये बगैर 2-3 दिन ना नहाया हो, ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं नहाया हो मान लिया, हो सकता है मौसम जो है ना वो समर का है, इसको क्या आ रहा है स्वेटिंग आ रही है, पसीना आ रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है वो ऐसे इलाके से आए हो जहाँ पर कोई वबा फैली हो, बाहर से आए बिल्कुल नहाया हो, कुछ भी हो सकता है, इसने शर्ट पहनी हो हाफ बाजू वाले, मट्टी धूल जरा सिम तो आ रहे ना, इसलिए उसकी
फजर के लिए ताकि दवाई प्योर अंदर जाए हम इसको साफ करेंगे ताकि कोई भी किस्म का हमें खतरा ना हो। काटने साफ के लिए साफ कर लिया, उसके बाद हमने इसको खोल लिया। इसके बाद इसकी कैप है, मर्जी आपकी अपनी इसमें रख लो जेब में, मर्जी वहाँ रख दो या किचन टाइम में रख दो आपकी मर्जी। कुछ लोग क्या करते हैं इसको अपने कान में लगा देते हैं। तो अच्छा क्या करते हैं, इस राइट साइड पर मत लगाओ क्योंकि बाद में आप क्या करोगे वो ढूंढोगे, ऐसे लेके जाओगे तो क्या होगा जाएगा, आपको खुद सुई लग जाएगी, आपको इंजरी हो जाएगी, आपके लिए बड़ा मसला पैदा हो सकता है। तो ये ना हो उसकी बुराई में आप अपने आपको नुकसान दे बैठे। ये आपका हाथ खाली है, फ्री है, तो इसमें आपने क्या करना है ये लेफ्ट साइड यहाँ कभी ना लगे, आधे यहीं कभी ना हो, फ्री ना इजी कर सकते हैं। उसके बाद आपने कार्टन स्वाब भी रख किया था सब कुछ करने के बाद, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक और कार्टन स्वाब रख लेते हैं कि यार ब्लड से निकले वो, नहीं नहीं ये निकलेगा ब्लड तो निकलेगा वो इस ये तो सुई के जरिए आएगा ना, वो इधर से थोड़ी आएगा। यस सर, ऐसे मत करें, ये राम है, ऐसे भी नहीं करना, ये गलत है। हमेशा इसके पील बराबर यानी बराबर एक और 20 डिग्री ऐसे नहीं करना, 20 टू 25 डिग्री ऐसे भी नहीं करना, ना ऐसे नहीं, हमेशा बराबर उसके सिमिलर। यानी यहाँ क्या करते हैं कुछ लोग यहाँ पर कॉटन स्वाब रख लेते हैं ताकि जो सुई है ना, क्योंकि इस दौरान हो सकता है इसके कपड़ों को लगे कुछ भी लगे, ये उससे बचे रहे, यहाँ रख लेंगे कॉटन स्वाब। अब यहाँ पर क्या करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे करते हैं थोड़ा सा ये देखने के लिए कि वैन इंप्रूवमेंट होगी ऊपर आगे ना कि कितना तक हमने इसको सुई को ले जाना है। कोशिश करें सुई पूरी ना अंदर जाए, सुई के ऊपर आपका हाथ ना लगे, यहाँ लगा सकते हो कोई बात नहीं, यहाँ मत लगा। अब वो तो यहाँ तक ज़्यादा आगे लगे, यहाँ कर्टन स्वाब रखकर सर ये भी देखते हैं सर वेन मुड़ी होगा इसका जो है ना मुँह नजर आ रहा है इसका मुँह। यस सर, ये हमेशा ऊपर रखेंगे। ओके सर, अगर आपने इसको इसका मुँह नीचे रख लिया तो हो सकता है अंदर इंजरी कर दें, किसी की उनको डैमेज कर दें। ऊपर रखेंगे आप कंट्रोल में इसको ऐसे सारा देंगे आराम से, और मरीज का जहन तब्दील करने के लिए कुछ बातें करेंगे उसके साथ। ये रख कर ना जैसे अंदर गया तो क्या होगा ऑटोमेटिक बल्ड आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा डिफ्यूजन का प्रोसेस, हाई प्रोसेशन टू लोअर प्रोसेशन। अगर नहीं आए तो थोड़ा सा आप इधर ना कॉटन स्वाब रखा हुआ इसको थोड़ा सा अगर नहीं भी आता अभी भी आता फिर थोड़ा सा मोरेंगे इसको मूव करेंगे इधर या थोड़ा सा इधर, कहीं ना कहीं ब्लड जरूर आएगा, जहाँ है वहीं रख कर आराम से ऐसा जोर ज़्यादा ना जोर देना। मरीज की मुँह को देखेंगे और भाई क्या हाल है, घर में कितने लोग हैं आपके, कितने लोग हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, दाखला नहीं होता इतना उसका हाई मैट होता है और लोग दो दो तीन तीन महीने वेट करते हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए, वेटिंग लिस्ट में बड़ा लंबी लिस्ट होती है। नसीब वाले हो भाई वहाँ आपका दाखिला हो गया, वहाँ भी वहाँ तो बहुत पर्टिकुलर होता है, तो कॉटन स्वाब लेकर यहाँ रख दे आराम से निकाल दे। अपने हाथों का ख्याल करना कि आपको सुई ना लगे, मरीज को कहेंगे इसको ना मसलना नहीं, मसलने से क्या होता है बारीक मर जाते टूट जाता है, इसको ऐसे टूट जाता है ब्रेक हो जाता है टूट जाता है ना ऐसे ऐसे करेंगे, तो इसको ऐसे कहेंगे मरीज को कुछ देखिए आप ऐसे रख के बैठ जाओ, मरीज को फोन नहीं करेंगे घर जाए उसको बोले 5-6 महीने आप बैठ जाए, फिर इसको यहाँ से उतारा आराम से निकालो अपने कॉटन स्वाब में रखा, इस जैसे कहेंगे ना ये इसको उससे खुलवा लेते हैं, ये भी खोल लेते हैं ताकि क्या होता है मेडिसिन आराम से पास हो सके जा सके मूव कर सके वेंस में। अपने सब चीज़ें आपने क्या करना है दोबारा अपने कॉटन स्वाब में रखकर से जितना आराम से लगाएंगे से जितना कम पेन होगा ना, पेन एक ही बार होता है बस, बाकी पे शुरू करने नहीं लगता जब इंजेक्शन करता है तो पेन होता है। एक तो उसको कॉटन स्वाब दे दिया हमने, बाकी अपनी चीज़ें लेकर हम वापस कहाँ जाएंगे, अपने रेडी हो जाओ अपने रूम में जाएंगे जो आपकी जगह ये जगह वहीं रख देंगे कॉटन स्वाब जो भी इसकी जो जगह है ना, और यहाँ पर क्या होता है कटर होता है मशीन होती है डब्बा होता है उसमें ये डालकर जला देंगे भाई काट देंगे कमरे में जलाएगा तो भाई स्मेल हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी, ये प्लास्टिक है
तो आप इससे क्या होगा, इस फार्म में आ जाओगे काट दी। उसके बाद हमने इसको क्या किया, बंद किया और डस्ट बन में। अगर हो सकता है वहां कटर डब्बा ना पड़ा हो, तो फिल हो गया, ज़ाहिर सुबह से आप काम कर रहे हैं, 200 मरीजों को आप टीका लगा चुके हैं, 500 को, 600 को, तो आपने फिर क्या करना है, हाथ की मदद से इसको मोड़ के इसका केप इसमें डाल के फेस को ब्लैक कर देना। उसके बाद आपने ग्लव्स वगैरह उतार के डस्टबिन में फेंके, फिर सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ किया, पीछे आकर अपने कुर्सी पर बैठे आराम से, पीछे हो जाओ कुर्सी पर बैठकर अपने मरीज का जो भी था, वो जो पर्ची थी, अपने रजिस्टर पर आपने उसको एंट्री करनी, लिखना है पेशेंट नेम, उसको आपने क्या क्या, उसकी एज, फादर जो भी था उसको आपने क्या क्या मेडिसिन दी, कौन सा इंजेक्शन दिया, कौन सा कैप्सूल दी, कौन सा ऑइंटमेंट दिया, सिरप वगैरह जो भी दिया, वो जो जो उसमें लिखकर अगले पेशेंट का वेट करेंगे। हो सकता है इस दौरान में डॉक्टर साहब ने दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पर्ची भेज दी, तो आपने वही प्रोसेस दूसरे पेशेंट के साथ करना, उम्र के साथ बड़े खुश इतराखी से पेशेंट है, ये नहीं कि अरे सो आ जाती हो, मुंह उठाकर आ जाती हो यार, जिसको देखो थोड़ा पीछे हो, जिसको देखो आपके बीमार इधर, ऐसी कोई बात नहीं कहनी, मरीज को हौसला देना, उम्मीद देनी। डॉक्टर बड़े काबिल आदमी, डॉक्टर बहुत माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ग्रेट डिग्री वाले, उनको आजम में जो है ना ग्रेट डिग्री मिली थी, वो आजम में बहुत उनका नाम है, अब तक डॉक्टर 500-600 लोगों का इलाज कर चुके हैं और डेली 2-3 ऑपरेशन डॉक्टर तो करते रहते हैं। आपको परेशान करें डॉक्टर बड़े काबिल आदमी, तारीफ करनी है ताकि मरीज के ऊपर साइकोलॉजी तौर पर अच्छा इफेक्ट हो, अच्छे डॉक्टर से मैं मिला हूँ, मुझे दवाई फायदा देगा।